जी हाँ दोस्तों, पेंशन को लेकर सरकार का एक बड़ा बदलाव और अपडेट निकल कर आ रहा। बड़ी खबर आप देख पा रहे कि नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर एक नियम बदल दिया। अब एक साल में दो बार मिलेगी ये सुविधा। जी हाँ, आइए आपको बताते हैं दोस्तों कि आखिर PFRDA की तरफ से नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम में क्या बदलाव किए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें PFRDA मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, जो कि हमारे देश के सभी पेंशन से संबंधित काम काजों को, नियमों को, कानून कायदों को हैंडल करती है, राइट। जिस तरह से दोस्तों IRDA संस्था है इंश्योरेंस को लेकर, FSSAI है खाने पीने की चीजों को लेकर, उदय है आधार कार्ड वगैरह से संबंधित किसी भी काम को लेकर, उसी तरह से दोस्तों ये PFRDA संस्था जो है ये पेंशन से संबंधित है, ठीक है, ये बात तो। अब दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन ने पेंशन सिस्टम में कुछ नियमों में, कानून कायदों में बदलाव किया है जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। अगर आप भी इस पेंशन स्कीम से जुड़े हैं तो जरा ध्यान से इस वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, तो दरअसल आपको बता दें कि नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करने वाले ऑल सिटीजन्स को, यानी कि इसमें निवेश करने वाले सभी नागरिकों को, सिटीजन मॉडल के तहत अब निवेशकों को सेंट्रल रिकॉर्ड कॉपिंग एजेंसी बदलने के लिए साल में दो बार विकल्प मिलेंगे। इससे पहले ये सुविधा एक वित्त वर्ष में केवल एक बार ही मिलती थी, लेकिन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शुक्रवार को एक सर्कुलर जारी करके इस बारे में जानकारी दी है। जी हाँ, अप्रैल महीने में दोस्तों ये नियम बदला गया और ये फैसला लिया गया कि ऑल सिटीजन मॉडल के तहत आने वाले निवेश अब एक वित्त वर्ष में एक बार की जगह पर दो बार CRAS बदल या चुन सकेंगे। इसके अलावा जो सब्सक्राइबर्स नियोक्ता कर्मचारी संबंध के दायरे में आते हैं वो दो से अधिक बार CRAS चुन बदल सकेंगे। ये नियोक्ता पर निर्भर करेगा कि वो CRA बदलना चाहते हैं या नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर ये CRAS वगैरह क्या है, तो दरअसल दोस्तों CRAS स्टैंड फॉर है कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। इसको आप साल में दो बार बदल पाओगे। अब इससे होता क्या है और इससे आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो अगर आप दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि अगर आप पोस्ट ऑफिस के जरिए जुड़े हैं या किसी बैंक वगैरह के जरिए जुड़े हैं तो इस तरह के सिस्टम में आप कन्वर्जन कर पाओगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपने जब फॉर्म वगैरह भरा होगा तो वहाँ पर आपने ये चीज पता चल गई होगी कि CRA वगैरह आप कहाँ से ले रहे हो और कहाँ से बदलना चाहते हो, ये आपको मालूम होना चाहिए। मान लीजिए कि कहीं पोस्ट ऑफिस आपका आपके घर से दूर पड़ रहा है या कहीं बदल गया, तो आप अपने नजदीकी बैंक में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं NPS को, ताकि वहीं से आपका कन्वर्जन सिस्टम रह जाएगा। इसके अलावा दोस्तों देख पा रहे कि PFRDA ने कहा कि CRAS बदलने के बाद भी NPS ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में पुराने CRAS के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन भी दर्शाए जाएंगे। इससे पहले 13 अप्रैल को PFRDA ने ऑनलाइन प्रेन जनरेशन मॉड्यूल के तहत ऑनलाइन बोर्डिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने का प्रस्ताव भी लेकर आया था। इसके तहत CRA को ऑनलाइन फोटो सिग्नेचर आदि अपडेट करने की सुविधा भी देनी होगी। तो ये कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स थे दोस्तों NPS स्कीम को लेकर। अगर आप सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी जो कुछ भी है NPS से जुड़े हैं तो आप समझ गए होंगे क्या नई स्कीम वगैरह अपडेट है। वैसे दोस्तों आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि हमारे देश में बीमा करने वाली सबसे बड़ी सरकारी कंपनी कौन सी है, इंश्योरेंस करने वाली सबसे बड़ी सरकारी कंपनी हमारे देश में कौन सी है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वरना अगले पिक किए जाएंगे हमारे DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दिल से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।